टीम का जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप तकवा उस चीज को कंसीडर कीजिए कि आपके पर्सनल गेन से आपका ऑर्गेनाइजेशनल एम जो है वो सुपरसीड करता हुआ नजर आए, ऐसे ही है ना जी। तो जैसे ही आप इन टर्म्स के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, आप डाइवर्सिटी जो है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, और वो चीजें जो आज तक आपको कमियां और नेगेटिविटीज और माइनसेस नजर आ रहे थे, अब उसके बाद आपको पॉजिटिव में बदलने आपके लिए शुरू हो जाएंगे। आपको महसूस होगा कि हर शख्स जो है उसके अंदर एक अपनी ताकत और कुव्वत मौजूद है, एंड व्हेन ही और शी पुल्स इन आवर टीम, ही और शी प्रूव्स टू बी अ स्ट्रेंथ, राइट। सो व्हाई टीम इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू शेयर स्ट्रेंथ्स, यानी एक दूसरे से जहां पे मेरा दोस्त जो है वो कमजोर महसूस कर रहा है अपने आप को, मैं अपने कंधे का सहारा दे दूं उसको। दिस इज व्हाई यू नीड अ टीम, राइट। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिसोर्सेज, फिर जहां पर मुझे यूं महसूस हो रहा है कि यार मेरे किसी दोस्त के ऊपर उसका काम जो है वो ज्यादा बर्डनिंग हो गया है, या इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैं तो बहुत माहिर हूं और मेरी एक हल्की सी पुश जो है उससे मेरे दोस्त का ये काम जो है वो रिजॉल्व सॉल्व हो सकता है, वो अपने टारगेट के करीब हो सकता है, तो व्हाट शुड यू डू? शायद अल्लाह की जात ने आपको एक्स्ट्रा पोजीशन, एक्स्ट्रा कुव्वत दी ही इसलिए थी कि आप किसी के काम आ सके। तो अगर आपने उस वक्त जो है वो बुखिली से काम लिया, राइट, तो खुदा की जात बहुत जल्द वो बरकतें जो हैं वो आपकी कुव्वत से छीन लेगी आपसे, और ऐसा ही होता है, राइट। सो ये जितनी नेमतें आपके पास जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की सूरत में मौजूद हैं, स्किल्स की सूरत में मौजूद हैं, बराए मेहरबानी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना शुरू कर दें। सो द मोमेंट यू डू दैट, तो अल्लाह की जात जो है वो उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती है, पॉलिश भी हो जाएगी, वंडरफुल। सो व्हेन यू आर इन अ टीम, समवेयर यू फील योरसेल्फ वीकर इनाफ नॉट टू बी एबल टू काइंड ऑफ ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स, बट योर टीम मेंबर्स दे आर स्ट्रांग एंड दे हैव सीन दैट। अगर मैं उम्र का हवाला लगा लूँ तो असर आपकी एज ब्रैकेट क्या होगी? आई एम सॉरी टू आस्क, 48, ठीक है, आपकी क्या बेटे? 19। सो अब अगर गौर कीजिए आप, तो सिनर्जी कब क्रिएट होगी कि जब इनका तजुर्बा और इनकी एनर्जी जो है वो कंबाइन हो जाए, जब ये दोनों, इनके पास जितना तजर्बा है ना, उस तजर्बे की रोशनी में ये जिन सितारों पर कमंद डाल सकते हैं, शायद फिजिकल एनर्जी उतनी ज़्यादा मौजूद नहीं रहेगी उतनी छलांग लगा सके। तो इन्हें चाहिए कि वो अपने तजर्बे की कमंद जो है वो इसके कंधों पर रख दें, ताकि इसकी टांगों में इस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी और स्प्रिंग्स हैं वो इनके ख्यालात की गुड्डी जो है उसको बुल्ले की हवा में उड़ा सके। गेटिंग माई पॉइंट, राइट। टू ब्रिंग टूगेदर मेंबर्स एंड पार्टनर्स हु मे बी डिस्पर्स्ड एंड फील आइसोलेटेड। आपने देखा जब आप आज आए थे तो आप सब इंडिविजुअल्स थे, अभी दो घंटे गुजरे हैं माशाल्लाह, सो यू नो ईच अदर वेल। जरूरी नहीं होता किसी का बड़ी बनने के लिए कि आप पहले उसके साथ 10 साल गुजारे। आपने ये देखना है कि 10 मिनट में आपने कितने लम्हे शऊर के जिए हैं, राइट, कितने मुस्बत होके एक दूसरे के साथ आते हैं, तो चीजें आसान हो जाती हैं। मीटिंग्स ऑफ टीम्स आर ऑफन इनफ्रीक्वेंट एंड इंटेंसिव। अच्छा, उसमें होता है कि जब भी मीटिंग, एक तो वो इनफ्रीक्वेंट हो, इतनी ज्यादा मीटिंग्स होती पॉसिबिलिटी भी नहीं है इतनी ज्यादा मीटिंग्स की, राइट। उसके बाद जब मीटिंग्स होती भी हैं तो शायद टारगेट आपके सर पे इतने ज्यादा सवार होते हैं कि आप कॉम्पिटिशन ज्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं, कलेबोरेशन कम हो रही होती है उसके अंदर। इस वजह से टीम बिल्डिंग का प्रोसेस जो हमने किया है उस प्रोसेस में से गुजारना ज्यादा जरूरी है। गेटिंग माई पॉइंट? सो टीम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफाइंड टास्क। जिस तरह अभी मैंने हर एक्टिविटी जो भी आपको दी है उसके अंदर एक डिफाइंड टास्क था, उसकी मैंने खास इंस्ट्रक्शंस आपको दी। फिर उसके बाद इंक्लूसिव प्रोसेसेस, ऐसे प्रोसेसेस टीम्स के अंदर होने चाहिए। आप लोग अपने जो भी वर्किंग प्लेसेस है उसके अंदर आप देखते हैं कि उसमें हर बंदे को जब तक आप बीच में शामिल नहीं करेंगे, हर बंदे का जो लेवल ऑफ जो आपके वो बनते हैं जॉब के, क्या बनते हैं जी आपके, JDs, जॉब descriptions आपके होते हैं, ठीक है, उनमें उनका अगर आपका जो HR जो है वो अगर सेंसिटिव इनफ ना हो कि हर बंदे को हर लेवल के ऊपर उसकी जॉब के अंदर और पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा हो, हर बंदे को पता लग रहा हो कि मेरी इस प्रोडक्ट, ये जो मेरी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है इसके इस हिस्से के अंदर मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जब तक ऐसा ना हो तो किसी वक्त के अंदर वो बंदा अपने आप को अनवॉन्टेड फील करना शुरू कर देगा। और जो बात इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की हुई है और वो एंड तक चलेगी,
वो जो माइंडफुलनेस जो है ना आपके पास, वो तब तक आ नहीं सकेगी. सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कभी भी आपकी डेवलप नहीं हो पाएगी जब तक आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किसी जगह पे ट्रेस नहीं कर पा सके कर पा रहे होंगे कि वो जो सामने एक फ्रेम आवेजा है दीवार के अंदर, उसमें जो कील है ना वो मैंने ठोका हुआ है, ठीक है ना, वो मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो लोगों को इस तरीके से इंक्लूसिव तरीके से साथ में लेकर चलना, चाहे किसी की कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी भी कम क्यों नहीं है, उसको एक्रेडिट करना, उसको तस्लीम करना, उसको वैल्यू देना. सो डीप कमिटमेंट, आपकी इंटेंट अगर स्ट्रांग होगी तो आपको रास्ता नजर आना शुरू हो जाएगा, दूसरे लोग आपको रास्ता बता देंगे. आपकी इंटेंट ही नहीं होगी ना, आप रास्ता पूछने की भी कोशिश किसी से नहीं करेंगे, राइट जी. नेक्स्ट इज कलेक्टिव एक्सपर्टीज. सिनर्जी कनेक्ट्स यू एंड इट टेक्स यू लॉन्ग वे. और फिर जिसको हम एज बैरियर या जनरेशन गैप कहते हैं, अगर हम सिनर्जी के अंदर बिलीव करना शुरू करते हैं ना, अगर मैं यहाँ पर एज यूथ खड़ा हूँ, एक स्टेप मैं आगे आ जाऊँ, और अगर कोई वहाँ पर एज एन एक्सपीरियंस्ड एल्डरली फिगर खड़ा है, एक स्टेप वो अपनी करंट रियलिटी को चेंज करने पर, एक्सेप्ट करने पर तैयार हो जाए, तो ऐसी सूरत में सिनर्जी डेवलप होनी शुरू हो जाती है. और बहुत मुमकिन है इस कमरे में जो लोग मौजूद हैं, सिर्फ इनका एक्सपीरियंस ही जो है वो बड़ा, बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया जो है वो डेवलप करने में कामयाब हो जाए, जिस तरह आपने कर दिया है. सर इसके शेयर कब से ओपन कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं जी, क्विकली जी. क्या नज़र आ रहा है स्क्रीन पे आपको? इसमें कोई रेड कलर का जो है उसका साइज तकरीबन आपको मेरे जैसा नज़र आ रहा है, ठीक है, नीचे वाला रेड जी, रेड का. अच्छा, फिर उसके बाद आप देखिए कि डिफरेंट साइजेस हैं इनकी, डिफरेंट विड्थ हैं, ठीक है, और डायरेक्शंस भी, जिधर जिधर मुंह उठाया उधर ही टोर पे है. यू डोंट सीम टू बी रीचिंग एनी पॉइंट. अच्छा, अब एक ये है, आपने मुझे बताना है कि ये वाली सूरत हाल, ये मैं है ना आपकी, जहाँ पर मैं आ जाती है ना, वहाँ पर तक नहीं आपके पल्ले. वो कहते हैं कि किसी सूफी का शेर है ना कि मैं नू मुंज कर ते निक्की कर कर कुट, मैं नू मुंज कर ते निक्की कर कर कुट, ते फिर परे खजाने रब दे साइयां जो चावे सो लुट. तो यहां पे दूसरी अपनी मैं को, जो ये मैं है ना, जो कि किसी टीम डायरेक्शन को फॉलो नहीं करने दे रही, हमने उसको किल करना, उसको जम करना है. आपके ख्याल में कौन सी डायरेक्शन बेहतर थी, ये वाली या ये वाली? क्यों जी? अच्छा, एक डायरेक्शन मेरे पास ये भी है. क्या फर्क है इसमें और इसमें, क्या फर्क है? जिसने सीखना है वो इस बात में यकीन रखे कि मैं, मेरी उम्र है और मुझे जरूरत भी है, एहतियाज है मुझे सीखने की. और जिसने सिखाना है वो इतना मोतबर हो जाए कि मैं सिखाऊंगा नहीं तो मेरे कख कम नहीं आ रहा है, यानी वो देने पर मायल हो और ये लेने पर मायल हो. जब दोनों तरफ से इस तरह की कैफियत डेवलप हो जाएगी तो सिनर्जी डेवलप होगी एंड टीम विल गो अ लॉन्ग वे इनटू द फ्यूचर, राइट. टीम की कुछ आपको पता है स्टेजेस होती हैं, आई बिलीव आप सब लोगों ने पढ़ी होंगी. ये पांच स्टेजेस होती हैं टीम की. सबसे पहले फॉर्मिंग स्टेज होती है. आपने देखा कि आप सब लोग जो हैं वो, जब मैं टीम्स बना रहा था, कुछ लोग बड़े रिलक्टेंट थे स्टार्ट में. मैंने वो फॉर्मिंग स्टेज बड़ी क्विकली की. जब आप फॉर्मिंग स्टेज पे होते हैं, कुछ लोग जो बड़े एक्साइटेड भी थे, आपने देखा जब वो टीम के अंदर आए वो बड़े एक्साइटेड भी थे. एक्साइटमेंट जो है वो फॉर्मिंग स्टेज का एक तुर्रा इम्तियाज होता है, ऐसा होता ही है वहाँ पे, राइट. सब लोग जो है वो नया काम होता है ना, तो उसके अंदर आने के लिए दे आर रेडी टू पिच इन. कुछ लोग रिलक्टेंट होते हैं, कुछ रेडी होते हैं पिच इन करने के लिए, एंजॉय कर रहे होते हैं. जैसे ही आप टीम बन जाते हैं तो उसके बाद जब आपको कोई पहला टास्क मिलना मेरे ख्याल में शुरू होता है, तो तब दिस इज वेयर जब आपको आपकी जेडीज जो हैं वो मिलने शुरू होते हैं, और आपको ये भी पता होता है कि मेरे इस जेडी के बारे में मेरे टारगेट्स जो हैं, मेरे क्या होते हैं वो की, आपके की इंडिकेटर्स जो होते हैं, KPIs आपके जो होते हैं, उसके बारे में मुझे एंड पर पूछा भी जाएगा क्वार्टरली. सो दिस इज वेयर एकदम से जो है वो फॉर्मिंग कुछ आप जेडीज के ऊपर आप कहते हैं कि मेरा तो ये बनता ही नहीं है, मैं तो अकाउंट का बंदा हूँ, ये काम क्यों मुझे दे दिया गया बीच में, ये तो इसका काम है, ठीक है, इसको वेले बैठ के खाने के लिए बुलाया गया, राइट. कुछ चीज़ों के इस तरह के इश्यूज आपके क्रिएट हो रहे होते हैं, या रवैये के भी और बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होने, तो ये होती है. दिस इज वेयर द स्टॉर्म्स हैपन. एक तूफानी किसी कैफियत यहाँ पर डेवलप होनी शुरू हो जाती है. बट यू मस्ट नो दिस थिंग, जो लोग टॉप पर हैं दे शुड नो कि टीम के प्रोसेस, टीम बिल्डिंग के प्रोसेस में ये सारी चीज़ें प्रोसेस का हिस्सा हैं.
दे हैव टू हैपन. अगर कोई ऐसी टीम है कि जो कि फॉर्मिंग स्टेज से होकर सीधी परफॉर्मिंग स्टेज पर पहुंच गई है, तो आप ये समझें कि फिर उसके ये वाले दो हिस्से जो है ना, अभी नॉर्मिंग वाले और स्टॉर्मिंग वाले, वो अभी आने हैं. और जिस चीज को आप इस वक्त परफॉर्मिंग बोल रहे हैं, वो एक्चुअली में परफॉर्मिंग नहीं है, वो सूडो परफॉर्मेंस हो रही है अभी तक. यानी टीम जिस मायार का परफॉर्म कर सकती है, अभी उस मायार पे परफॉर्म जब तक टीमें इस इन दो स्टेजेस से होकर नहीं गुजरें. ठीक है, तो स्टॉर्मिंग स्टेज के बाद क्या होता है कि जब आपके आपस में लड़ाइयां फटे हो चुके होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो चुके होते हैं, दिस इज लेटर व्हेन द सेंस प्रिवेल्स, सैनिटी प्रिवेल्स. आपके अंदर इन बिल्ट और जो कुछ आपने पढ़ा होता है एकेडमिकली, जितने आप स्ट्रांग होते हैं उसके मुताबिक कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग देर से करते हैं, आप नॉर्मेलिटी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं. फिर आप कहते हैं कि ओके जी, वी एग्री टू डिसएग्री. सो परफॉर्मिंग स्टेज के ऊपर आप आते हैं, तो यहाँ पर आपकी सिनर्जी भी अच्छी खासी डेवलप हो चुकी होती है. वो चीज़ें जो आप सालों में करते हैं, अगर आपकी टीम वेल नेट है, हर शख्स जो है उसकी यहाँ की बत्ती जली हुई है, ठीक है, और उसने जज्बात को पीछे रखा हुआ है, पर्सनल सेल्फ को पीछे रखा हुआ है, टीम सेल्फ को आगे कर लिया हुआ है उसने, ठीक है, वो प्रोफेशनली स्ट्रांग हो चुका हुआ है, तो ऐसी सूरत में आप परफॉर्मेंस जल्दी देना शुरू कर देते हैं और बेहतर परफॉर्मेंसेस देना शुरू. देखिए कंपनीज के अंदर फर्क होता है कि नहीं होता है? कौन फर्क पैदा कर रहा होता है? इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, राइट. तो जब वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और अपने पर्सनल सेल्फ को पीछे लेकर जा चुके हैं, अपने प्रोफेशनल सेल्फ को आगे लेकर आ चुके हुए हैं, राइट, और टीम के ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, दिस इज व्हाट इज मैच्योरिंग देम इनटू हाईली प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स. ऐसी सूरत में उनके काम के अंदर उनकी शख्सियत का निखार जो है वो सामने आना शुरू हो जाता है, और कंपनी जो है वो इन द एंड बेनिफिट्स जो है वो रीप करती है, और इंडिविजुअल्स भी. उसके बाद एडजर्निंग. इट वॉज अ स्मॉल टीम फॉर अ स्मॉल टाइम, 4 घंटे के लिए टीम बनी थी, ठीक है. एंड आई एम श्योर अगर आपने आज के सेशन से अच्छी फीलिंग्स डेवलप की हैं ना, तो जाते हुए थोड़ा सा पेंसिव महसूस करेंगे किसी जगह पे. वाई? बिकॉज जो सिनर्जी और जो एनर्जी आपने यहाँ पर महसूस की है इन 3-3.5 घंटों में, वो आपको आपकी जिस लाइफ में आपने अभी वापस जाना है ना, वो आपको वहाँ आपको ये मिलेगी कोई नहीं. So it is said that if you keep on doing what you have been doing, अगर आप वही करते रहते हैं जो आज तक आप करते रहे, यानी आपने ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए और उसके बाद आप अपनी वर्क प्लेस के ऊपर गए और लोग जो हैं वो तंग करते हैं, उनकी नेगेटिविटी आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है, और उन्होंने नेगेटिविटी अपनी तरफ से जो उनकी प्रोडक्ट थी वो उन्होंने आपको दी. एक इस ग्लास के अंदर क्या है जी, बोलिए. आपने सही बोला था, हवा. ओके, गुंजाइश है, वंडरफुल, हवा है और गुंजाइश है, राइट. अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, अब इसके अंदर क्या है जी, बोलिए प्लीज, शाबाश बोलिए. आप इसके अंदर पानी भी है और, यानी जहां पर पानी है वहां पानी है और जहां पानी नहीं है वहां क्या है, वह गुंजाइश या हवा मौजूद है, ऐसा ही है जी. अच्छा, जो हवा थी उसकी जगह किसने लिए? तो आपके अंदर भी गुंजाइश होती है जिंदगी में, हमेशा आपके अंदर गुंजाइश रहती है. उस गुंजाइश की जगह को अगर आप अपनी मनचाही चीज के साथ नहीं भरेंगे, तो लोग अनवांटेड प्रोडक्ट्स जो है वो वहां पर टैग करनी शुरू कर देंगे.